इटावा जिले में पुलिस ने अवैध रूप से शराब बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर चार शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, बंदूक समेत 179 लीटर शराब बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल ये पूरा मामला बकेवर थाना इलाके का है, जहां एसपी ओमवीर सिंह ने जानकारी के मुताबिक बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि इकनौर गांव के जंगल में कुछ व्यक्ति अवैध शराब बनाकर आगामी पंचायत चुनाव में शराब बेच रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शराब तस्करों की घेराबंदी कर ली। पुलिस को घेरता देख शराब तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्यवाही करते हुए चार शराब तस्करों को थर दबोच लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, बंदूक समेत अवैध शराब बरामद की। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि शराब तस्कर पैसे कमाने के लिए अनिल उर्फ गोविंद त्रिपाठी के लिए काम कर चुनाव में शराब की सप्लाई करते थे। फिलहाल पुलिस ने चारों शराब तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दी। वहीं इस घटना में एक पुलिसकर्मी खाई में गिरने से घायल हो गया। ये एक जो है टीले के ऊपर जंगल में बीहड़ में इनके द्वारा शराब बनाने की सूचना मिली थी। हम लोगों ने घेरा डाल के जब हम टीले पे चढ़े तो अचानक इस बदमाशों ने एक राय होकर पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। उसी में जो है उससे फायरिंग से बचने के लिए बैलेंस बिगड़ गया और मैं जो है खाई में नीचे गिरा जाके उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। क्या सूचना मिली थी किस तरह शराब कि ये कुछ लोग जो है इकनौर के जंगल में अवैध शराब का निर्माण कर रहे हैं और वो आसपास के गांव में उसकी सप्लाई करते हैं। वहां का जो निवर्तमान प्रधान है गोविंद त्रिपाठी, उसकी सह पे ये काम किया जा रहा है। इसी सूचना पे जो है पुलिस पहुंची थी, बदमाशों द्वारा अवैध असलाहों से फायरिंग की गई। उसी दौरान मेरी चोट आई। इकनौर गाँव पड़ता है, वहाँ के बीहड़ में कुछ इस तरह की गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। इस सूचना पे इंस्पेक्टर बकेवर अपने पूरे फोर्स के साथ वहाँ पे पहुंचे। जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो बिल्कुल बीहड़ का इलाका था, कुछ झोपड़ियाँ पड़ी हुई थी वहाँ पे और उन लोगों ने इस तरह का भी इंतजाम कर रखा था दूर से ही पुलिस को देख लें, क्योंकि पुलिस को इस बारे में सटीक सूचना मिली थी। इन्होंने उन्हें घेरा, अपने आप को घिरता देख के जो वहाँ पे अपराधी थे उनके द्वारा पुलिस के ऊपर भी हमला किया गया, लेकिन पुलिस ने क्योंकि पूरी अपनी प्लानिंग कर रखी थी, वहाँ पे अवैध शराब जो बनाई जा रही थी, मौके से करीब 500 लीटर शराब और इन्होंने अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए अपने पास हथियार भी रखे हुए थे, भारी मात्रा में दो डबल बैरल बंदूकें, एक उसकी नाल, इसके अलावा तमंचे इनके पास भारी मात्रा में मिले हैं।